नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इन्वेस्टर्स को काफी बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू निफ्टी लोअर लोज लगाते जा रही है। इसी बीच आज के सेशन में मॉर्निंग में निफ्टी ने 16,828 का लो लगा दिया है। हालांकि सेकेंड हाफ में एक काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। लोअर एंड से लगभग 150 पॉइंट्स की रिकवरी है और डू एंड डाई लेवल पे आ चुके हैं निफ्टी, यानी कि 17,000 के आसपास। अगर 17,000 के ऊपर निकल के क्लोजिंग मिलती है तो बाजार में उतनी बड़ी गिरावट नहीं मानी जाएगी, यानी कि फिर थोड़ा आपको लगेगा 100-150 पॉइंट्स और मूव आ सकता है। एंड ये जो रिकवरी है इसके पीछे का रीजन भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा और इस मार्केट में एज एन इन्वेस्टर और एज एन ट्रेडर क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी पे ही बात करते हैं। तो निफ्टी की बात करें, 16,982 पे ट्रेड कर रही है 16,828 का लो लगाने के बाद। नीचे से अच्छी खासी रिकवरी है 160-150 पॉइंट्स की। अब 17,000 के ऊपर निकलेगा तो यह दो चीजें होने वाली हैं। पहला, जो 17,000 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है वो रिस्क पे आएगा, एंड दूसरी बात, सबके सब कहीं ना कहीं शॉर्ट साइड पे पोजिशन बनाने के कोशिश कर रहे हैं और बना के बैठे हुए हैं। ओपन इंटरेस्ट आपको बता रहा है कि ये जो ट्रेड है नीचे की तरफ खुला हुआ है और वो सारे रिस्क पे आ रहे हैं, यानी कि वो सब कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं जो प्रॉब्लम में फंसेंगे, तो वो एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट भी बनवा सकता है मार्केट को। इंडेक्स लेवल पे आप FII की पोजीशन देखो, वो भी मतलब ईयर लो पे आप कह सकते हैं 10% पे आ चुकी है, तो इंडेक्स लेवल पे वहां से भी एक सपोर्ट है कि हाँ भाई एक शॉर्ट कवरिंग रिवर्सल आ सकता है। बट ये सारे केवल और केवल आपको सेल ऑन राइज का ही मौका देंगे। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, मार्केट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ, बिल्कुल भी जान नहीं है इस समय। ऊपर 17,400 तक मूव जो भी आएगा वो मेरे हिसाब से एक बार सेल ऑन राइज का ही होगा। आप देख सकते हैं 6 महीने के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने कंटिन्यू लोअर लोज का चार्ट पे फॉर्मेशन बनाया। पिछला जो रिवर्सल है वो बहुत छोटा रिवर्सल था, केवल 17,100 यानी कि 16,850 का लो लगा के 17,100 तक का आपने रिवर्सल दिया, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा था, छोटा सा था। उसके बाद दोबारा फ्रेश लो लगाया, फिर से ऊपर आ रहा है बाजार। अगर ऊपर आता है तो इस बार मार्केट्स कहीं ना कहीं आपके लिए जो हाई लगा सकते हैं वो 17,200-250 तक का लगा सकते हैं, जहां मुझे लगता है अच्छी लेवल्स होंगे, अच्छी रेंज आएगी दोबारा से एग्जिट करने का मौका देगा बाजार आपको। वन साइडेड नहीं जाता है और अगर मौका देता है तो उसको आपको ऐसा यूटिलाइज करना चाहिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले तो ये वर्ड्स मेरे बदल भी सकते हैं 22 मार्च को। आज 20 हो गई, कल स्टार्ट हो जाएगी FOMC की मीटिंग, दो दिन की मीटिंग है। परसों 22 मार्च को रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा कि भाई फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कितने बेसिस पॉइंट से रेट हाइक कर रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट या फिर बिल्कुल भी रेट हाइक नहीं हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अमेरिका में आप बैंकिंग का हाल देख ही रहे हो, क्रेडिट स्विस जिसको UBS ने खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, उसके बावजूद स्टॉक आपको 65% क्रैश दिख रहा है। हालांकि उसका रीजन है कि जो बाइंग प्राइस है वही उस लेवल पे जहां पे अभी आया है, तो वो 65% घटना था सबको पता है। सेकेंड थिंग, UBS खुद भी 13% नीचे आ गया, ये समझ से बाहर है। एक्विजिशन कराया, अपने प्राइस दिया, अपने वैल्यूएशन रखे, उसके बावजूद खुद गिर रहे हो नीचे, तो ये एक नेगेटिव संकेत है। प्लस अगर आप यूरोप के या फिर अमेरिका के मार्केट्स देखें तो सेकेंड हाफ में हम लोग दोबारा ऊपर आ रहे हैं, फ्राइडे भी ऊपर आए थे, डाओ फ्यूचर्स ने ही सहारा दिया था, आज भी डाओ फ्यूचर्स ही सहारा दे रहे हैं। जो 300 पॉइंट नीचे थे डाओ फ्यूचर्स, अभी वो लगभग केवल 100 पॉइंट्स नीचे रह गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक बढ़िया मूव देखा है। अब हम मार्केट जैसे ही हमारी मार्केट क्लोज होगी उसके बाद 4 बजे के बाद डाओ फ्यूचर्स कुछ और ही संकेत देने लगेंगे, दोबारा 400 पॉइंट नीचे हैं, तो वो फिर कल एक गैप डाउन ओपन हो जाएंगे हम लोग। तो ये देखने वाली बात है, ये अमेरिका के बाजार कितनी रिकवरी को सस्टेन करते हैं। ये जो अभी 300 पॉइंट नीचे थे अभी 100 पॉइंट नीचे हैं, अब ये रिकवरी और बढ़ती है या हमारे मार्केट्स बंद होने के बाद दोबारा से नीचे आ जाएगा। सेकेंड थिंग हमें जो देखनी है वो ये FII का क्या डाटा आता है, आज कंटिन्यू बेच रहे हैं वो। थर्ड थिंग आपको जो देखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिटेल कैटेगरी का बिल्कुल पार्टिसिपेशन है ही नहीं मार्केट में, उन्होंने मतलब हार मान लिए शेयर मार्केट से और फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ चुके हैं वो, और ये एक तरीके से पॉजिटिव संकेत भी है। अब इस बीच में अगर मैं आपके साथ यूरोप के मार्केट्स का कामकाज शेयर करूं, वो काफी ज्यादा गैप डाउन खुले, उसके बाद आपको थोड़े बहुत संभलते हुए दिख रहे हैं। कैक फ्लैट टू पॉजिटिव भी हुआ, अभी दोबारा से 0.5% नीचे है, तो वॉलेटिलिटी अपने आप बहुत ज्यादा है। इस वॉलेटिलिटी में ट्रेडर्स को तो कुछ भी नहीं करना चाहिए और जो इन्वेस्टर्स हैं
उनके पास जो पोजीशंस ऑलरेडी है जो नुकसान में, मेरे पास काफी कमेंट है भाई 6.5 लाख लगाए थे आज 65,000 का लॉस हो रहा है, आज 20% का नुकसान है, 25% का। तो ये आपको नहीं है, ये हर किसी को है। मार्केट ने वन साइडेड आपको स्टॉक लेवल्स पे गिरावट ही दिखाई है। इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज इंडेक्स बहुत सस्ता हो गया है, इतना सस्ता हो गया कि कोविड में जो 7,500 के लो लगे थे ना उससे भी सस्ता दिखेगा। मैं आपके साथ डाटा भी शेयर कर देता हूं इस वीडियो में। स्क्रीन पे आप एक चार्ट देखेंगे जहां पे आपको दिख रहा है निफ्टी का पी वैल्यूएशन कितना था हर ईयर में, या मैं 15-20 साल का आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कोविड के समय पे भी लगभग 21 के पीई पे था निफ्टी और अभी 20 पे है, तो ये अपने आप में काफी सपोर्टिव है। वहीं अगर यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो फिटसी लगभग 0.8% डाउन है, डेक्स 0.66% डाउन है, कैक 0.55% डाउन है। तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ब्रॉडर बेस मार्केट में। निफ्टी की बात करें तो आपको 17,000 का अटेम्प्ट होते हुए दिख रहा है, लेट्स सी क्लोजिंग बेसिस पे क्या लेवल निकल के आते हैं, क्योंकि अगर यूरोप के मार्केट दोबारा नीचे आ रहे हैं तो हम दोबारा नीचे आ जाएंगे। हम ऐसा लग रहा है कि हमें दूसरे को देखना है फिर हम चलना है, जैसे ही वो जा रहे हैं वैसे हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ भी ना करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।